हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स स्टूडियो में आईटीबी ड्राइवर के बारे में दोस्तों बात करेंगे। आपका जो गाइस स्किल टेस्ट होना है आईटीबीपी कॉन्स्टेबल में, ठीक है, जबकि अभी रिजल्ट आया हुआ है रिटन टेस्ट का। तो मुझे काफी कॉमेंट्स मिले मेरे फ्रेंड्स लोगों के, मेरे दोस्तों के, मेरे भाइयों के, कि आप सर आप एक वीडियो बना दीजिए स्किल टेस्ट के ऊपर, कि आपकी हमारा स्किल टेस्ट कैसे होगा। तो गाइज ये वीडियो सिर्फ उसके लिए है, आपको वीडियो स्किप नहीं करना, आपको वीडियो पूरा देखना है। गाइज अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो गाइज, आपका 50 में से 50 नंबर की गारंटी मैं लेता हूँ आपकी, ठीक है। आपको 50 में 50 नंबर आपको 100% मिलेंगे, ठीक है। गाइज देखिए, ज्यादातर बच्चे इसमें स्किल टेस्ट में ही बाहर होते हैं, ज्यादा स्टूडेंट स्किल टेस्ट में बाहर होते हैं। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और एक भी बात मिस ना कीजिएगा, ओके। तो मैं आपका जैसे मना लेती हूँ, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो गाइज आपको बनना है यहाँ पे आईटीपी ड्राइवर स्किल टेस्ट, ठीक है। जितना भरने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर लेना, तो मैं सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स ऊपर देखिए आईटीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर रिजल्ट 2020 डेट फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट, आज आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार आ गया हूँ अभी। तो यहाँ पे देखिए गाइज, आईटीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर रिजल्ट 2020 डेट फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट है। तो नीचे आ जाता है एक बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ, मैं आपकी 134 आपकी वैकेंसी टोटल थी इसमें। और जो पेपर हुआ था गाइज, या क्या कहते हैं, 19 जनवरी का आपका पेपर हुआ था, आप देखिए यहाँ पे 19 जनवरी, ओके। इसमें आपकी जॉब लोकेशन की बात करूँ मैं, आपकी जो जॉब लोकेशन रह सकती है आपकी ऑल इंडिया है ये। आपको ये नहीं कि मतलब ये नहीं है कि आपकी फिक्स जॉब है यहाँ पे कि आपको उस जगह रहना पड़ेगा, आपको इंडिया में कहीं भी आपकी जॉब लग सकती है या फिर आपकी चेंजेस होती रहती है, ओके। आपको इस बात का पता ही होगा। अगर आप अगर मैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए गाइज, हाइट बार टेस्ट, आपको सबसे पहले आपकी हाइट मापी जाती है, फिर आपका PST होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, फिर आपका PET होता है और फिर आपका रिटन टेस्ट अभी हो चुका है। आपको जानते हो आपका रिटन टेस्ट का रिजल्ट भी आ चुका है, और जो मेरे भाई बंधु इसमें पास हुए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई है जिनका रिटन टेस्ट क्लियर हुआ है। अब आपका होना है गाइस ड्राइवर प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट हम इसको ड्राइवर टेस्ट भी बोल देते हैं, स्किल टेस्ट भी बोल देते हैं, ये एक ही होता है, ठीक है। कई कंफ्यूज में रहते हैं कि स्किल टेस्ट सर क्या होता है, ड्राइवर टेस्ट क्या होता है, ये दोनों सेम ही होता है, ठीक है, बराबर होता है ये। इसके बाद आपका मेडिकल होना है गाइस। देखिए अगर आपको कुछ मेडिकल में प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके लिए मेडिकल से रिलेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा आईटीबीपी की ओर से, ठीक है। कि मतलब आईटीबीपी में आपका मेडिकल किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से आपका क्या क्या चेक किया जाएगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना वीडियो के नीचे, ठीक है। तो गाइज नीचे देखिए, और फ्रेंड्स देखिए कुछ मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि कट ऑफ सर क्या रह सकती है। तो गाइज आपको बता दूं, आप एक काम करें, आपके जितने मार्क्स आ रखे हैं ना पेपर में, तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा कितने मार्क्स हैं, मैं कुछ ही दिन में आपकी फाइनल कट ऑफ की क्या कहते हैं आपकी अलग से वीडियो डाल दूंगा यहाँ पे चैनल पे। आप प्लीज कमेंट करके अपने अपने मार्क्स मुझे बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट 50 मार्क्स है। आपको मैं बता दूं गाइस, जब आपका पेपर ये होना है, स्किल टेस्ट होना है, ये कम से कम 50 मार्क्स का है, ठीक है। 50 में से 50 नंबर आपको इसमें लेने हैं। देखिए 10 वाला पास है, 10 मार्क्स वाला पास है इसमें, अगर आप 10 से कम लेते हो आप फेल हो, आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप 10-15 या से जब 10 से ऊपर ले लेते हो आप पास हो इसमें। लेकिन गाइज मैं चाहता हूँ जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई बंधु सबको 50 मार्क्स आए। तो गाइज मैं इसको देखते हुए आपको वीडियो बना रहा हूँ ये। तो यहाँ पे देखिए गाइज, जो आप ये देख रहे हैं 10 बातें, आपको इनकी बिल्कुल अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, ऑल चेक्स बिफोर इंजन स्टार्टेड एंड नॉलेज अबाउट व्हीकल सेंसर एंड सिग्नल एंड रियर व्यू मिरर एडजस्टमेंट। देखिए गाइज आपको सबसे पहले क्या है कि आपको इंजन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जब आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आपका मतलब गाड़ी न्यूट्रल में है या नहीं है, ठीक है, वो सब आपको आने चाहिए कि कैसे न्यूट्रल में होती है कैसे नहीं होती है, और आपका सिग्नल कौन सिग्नल आपको किस में काम आता है आपको वो भी आना चाहिए, ओके। और यहाँ पे देखिए मिरर, जो साइड में मिरर होता है आपको मिरर भी सेट करना आना चाहिए कि मिरर कैसे सेट करते हैं, ये जो नॉर्मल बातें हैं आपको ये आने चाहिए, ओके। तो देखिए समाउथ स्ट्रेंग हेड ड्राइविंग विद गियर चेंजिंग, गाइज आपको इसमें गियर का पता होना चाहिए, आपका फर्स्ट गियर में गाड़ी कैसे चलाते हैं, कौन सी स्पीड किस स्पीड में गाड़ी आपको चलानी चाहिए, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें ज्यादा आपको मतलब की घबराने की जरूरत नहीं है कि यार पता नहीं इतनी बड़ी लाइन दे रही गई भाई। देखिए गाइज ये बिल्कुल लाइन वैसे दिख रही है बड़ी बड़ी, लेकिन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको देखिए मेन तरीके से मान लीजिए आपको बस नॉर्मल गाड़ी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप आराम से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, ये ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ठीक है। कोई एक वीडियो देखी मैंने यूट्यूब पे, पता नहीं मतलब कितना कुछ कह रखा था कि ये होना चाहिए होना चाहिए, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। आपको गाड़ी आती है ना, तो आपको अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है, आपने यार ट्रेनिंग की होगी, बस वही सब कुछ है नॉर्मल।
आपको बस थोड़ा थोड़ा अपना कहते हैं क्या, वहाँ पे बस ओनली मेंटलनेस चेक की जाएगी कि दिमाग से मतलब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए मिरर कैसे सेट करते हैं, कौन गाड़ी न्यूट्रल है या नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिए यूज ऑफ हैंड सिग्नल एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल इमरजेंसी स्टॉप। ठीक है, अगर आपके पास इमरजेंसी आ जाती है आपको किस प्रकार आप गाड़ी रोकोगे आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए मोटा मोटा नॉलेज अबाउट इमरजेंसी वार्निंग एंड इमरजेंसी रोड सिग्नल। गाइज आपके पास मतलब कोई एक्सीडेंट आपका हो जाता है कहीं भी तो आपको किस प्रकार से बात करनी चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा वहाँ पे, आपको इस सब नॉलेज होने चाहिए। अभी देखिए नॉलेज ऑफ अबाउट ड्राइवर ड्यूटी इन केस ऑफ एक्सीडेंट। गाइज अगर आपका मतलब कि किसी से आपको गाड़ी कहीं भिड़ जाती है तो आपको उस पर किस प्रकार से बात करनी पड़ेगी, वहाँ पे क्या क्या बोलना पड़ेगा, आपको इन सब के बारे में नॉलेज होने चाहिए। बस मतलब मान लीजिए कि आपको बस क्या कहते हैं जो आप जीवन काल में करते हो अपने घर पर परिवार में, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो आपको किस प्रकार से बात करनी है, आप गाड़ी चला रहे हो आपको कहाँ गाड़ी रोकनी है और क्या मतलब कैसे बातें करनी है पुलिस वालों से या फिर कैसे भी जो आगे से आप मतलब कि समझ रहे हो ना गाइस, आपको ये सब मतलब नॉलेज होना चाहिए। मैंने बात है कि नॉलेज आपकी वहाँ पे ओनली आपकी नॉलेज चेक की जाएगी, ये आपके 50 नंबर बिल्कुल फ्री के गाइस, आपको ओनली नॉलेज चेक की जाएगी आपके कि आपकी कितनी नॉलेज है, आप मिरर सीट सेट करते हो नहीं करते हो, गाड़ी न्यूट्रल करते हो नहीं करते हो, आप कौन सा सिग्नल कब यूज करते हो, गाड़ी को स्टॉप कब करते हो और आपको गाड़ी मतलब कि कैसे स्टॉप करनी है कैसे रोकनी है सब कुछ आपसे वहाँ पे चेक किया जाएगा। ओके, तो दोस्तों आप आराम से देखिए गाइस, आप इनको पढ़ लीजिएगा आराम से। ओके, मैंने आपको कुछ कुछ तो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, अब मैं गाइस आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पेंट खोल रखा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे भाइयों का एक बार अच्छे से समझा दो प्रैक्टिकली, ताकि गाइस आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज गाइस जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो आप ये लाइन देख रहे हैं गाइस, ये देखिए वैसे मुझे मेरी पेंटिंग सही है, जैसे आप देख लीजिए एक बार यहाँ पे गाइस, ये गाड़ी मतलब गाड़ी आपकी। ओके, यहाँ पे आप सबको बैठा दिया जाएगा पहले, ठीक है, यहाँ से आपको मतलब कि क्या यहाँ से आपको एंट्री करवाई जाएगी, आपको गाड़ी में बैठा दिया जाएगा। ओके, तो गाइज देखिए आपको गाड़ी यहाँ से जो आप जो मैं देख रहा हूँ जो आप ये यहाँ पे सिंबल देख रहे हैं ना, आप देखिए आपको गाड़ी यहाँ से चलानी है, चलते आपको यहाँ से मोड़ लेनी है। ठीक है गाइज, वो देखें कि आप मोड़ते किस तरह से हो, आप बैक किस तरह से करते हो। गाइज मैन है बैक करना गाड़ी को, ध्यान दीजिएगा गाड़ी को बैक करना, गाड़ी को बैक करके लगाना, ठीक है, साइड में कौन आ रहा है कौन आ रहा है ये सब चेक करना, कौन नहीं जा रहा है ये सब चेक करना, सिर्फ आपका ये सब चेक किया जाएगा। ज्यादातर गाइज बैक करके आपसे शायद बोल दें कि आप गाड़ी को बैक करके चलाइए, तब भी चलानी पड़ेगी आपको। ओके, तो देखिए गाइज आपको गाड़ी यहाँ से लेके आनी है सीधा, और यहाँ पे जाके मोड़ देनी है, और यहाँ पे 2 मिनट रोक के आपको वापस बैक कर देनी है, तो सीधा यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाके गाइज फिर आपको सीधा लेके फिर दोबारा यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देनी है। और गाइज ये भी हो सकता है कि आपको गाड़ी यहाँ से बैक करके यहाँ पे ले जानी पड़े, जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ से ले जाके बैक करनी पड़े और यहाँ पे आगे रोकनी पड़े। तो गाइज आपको ज्यादातर मान लीजिए इसमें आपको बैक करनी गाड़ी आनी चाहिए, बैक करके कैसे गाड़ी कैसे चलाते हैं, क्योंकि गाइज ये छोटा मोटा टेस्ट नहीं है। वैसे बोल देते हैं कि यार अगर गाइज देखिए अगर छोटा मोटा टेस्ट होता तो मान लीजिए कि सभी सबको जो मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है ना। तो ध्यान दीजिएगा आप गाड़ी को बैक कैसे करते हैं, ठीक है, और उसको न्यूट्रल कैसे करते हैं, ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। चलिए तो आपको यहाँ पे बैठा दिया जाएगा, जो भी मतलब बंदे पास हो जाएंगे या फिर मतलब सबको या फिर यहाँ पे बैठा दिया जाएगा। ओके, जो भी मतलब कि इसमें फेल हो जाएंगे जिसके 10 नंबर से कम आएंगे उनको साथ साथ एग्जाम मतलब की जो कहते हैं वो एक लेटर मिल जाएगा वहां से कि आप भर्ती से डिसक्वालीफाई हो चुके हो, और जो इसमें 10 से ऊपर नंबर ले लेंगे वो वहाँ पे पास हो जाएंगे और आगे आपकी मेरिट लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। और गाइज एक बात और देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, 1 सेकंड रुकिएगा, आपको कुछ बातें हैं जो आपको बताने जरूरी हैं, तो मेरे लिए बताना, मैंने आपको जरूरी समझा क्योंकि मैंने चाहता यार कोई मेरा भाई ऐसा हो जिसको मतलब बातें ना पता हो, तो मैं आपके लिए बताता आता हूँ। 1 सेकंड रुकिएगा इस, ठीक है, यहाँ पे देखिए गाइस ड्राइवर टेस्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए गाइस कुछ से ऐसे मेरे फ्रेंड्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि आपको गाड़ी ऐसी मिलेगी, तो यार देखिए आपको बता दूं गाइस आपको गाड़ी वहाँ पे ऐसी नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है यार, कहता है मैं भाई देख सीधी बात करता हूँ यार, ठीक है भाई, बुरा लगे अच्छा लगे यार वो आपके ऊपर डिपेंडेड है भाई, आप मेरे भाई मतलब अपने अपने भाई को आप कितना प्यार देते हो, ठीक है, वीडियो देख के। भैया देखिए आपको गाड़ी ऐसी आती है, अच्छी बात आपको गाड़ी आती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई आपको वहाँ पे ऐसी गाड़ी नहीं दी जाएगी यार, ठीक है, आपको आती है अच्छी बात है। ओके, आगे गाड़ी देखिए ये बस गाइज आपको यहाँ पे ऐसी बस मिल सकती है, गाइज आपको ऊपर देख सकते हैं ITBP लिखा हुआ है, आपको वहाँ पे ऐसी बस मिल सकती है, आपसे वो मुड़वा के देखेंगे, ठीक है, बैक करवा के देखेंगे, आपको बस की नॉलेज होनी चाहिए, बड़ा व्हीकल जो होता है, या फिर आपको एक टैंकर दिखा देता हूँ गाइज, देखिए अब गाइज टैंकर भी आना चाहिए जब ये गाड़ी देख रहे हो आपको ये भी, या गाइज देखिए ये गाड़ी या फिर ये गाड़ी, गाइज दोनों में से आपको एक गाड़ी मतलब कि वहाँ पे मिल जाएगी चलाने के लिए, जिसमें आपका टेस्ट होगा, आपको आराम से टेस्ट देना है गाइज, ठीक है। तो आपने गाड़ी देख ली है, तो गाइज आगे देखिए, गाइज
देखिए गाइस, नैनो गाड़ी गाइस एक छोटी गाड़ी है गाइस। आपको ये गाड़ी आती है ये मत समझिएगा, आपको एसी गाड़ी मिलेगी वहाँ पे, ना एसी मिलेगी, ना स्विफ्ट मिलेगी, ना नैनो मिलेगी। आपको मिलेगी गाइस बड़ी गाड़ी जो आईटीबीपी जो आर्मी में यूज होती है, वो आपको बड़ी गाड़ी मिली जाए मतलब मिलेगी वहाँ पे। ओके ध्यान दीजिएगा। ठीक है जब गाड़ी आप देख रहे हो ना गाइस, आपको इस प्रकार का टैंकर मिलेगा वहाँ पे चलाने के लिए। ठीक है आपको वहाँ पे आपका टेस्ट होगा इस प्रकार से। ठीक है और गाइस सिग्नल देख लीजिए आपके गाइस के, एक मान लीजिए 10-15 रुपए की एक बुक आती है, बाजार से लेके आ जाइएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बाजार जाइएगा आप, ये जो सिग्नल होते हैं हमारे जो ट्रैफिक में यूज होते हैं, आप इनके एक बुक लेके आइएगा। 10-15 रुपए की बुक आती है, ज्यादा महंगी नहीं आती है। ओके तो आपको गाइस ये देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिग्नल कहाँ यूज होता है, किस प्रकार से यूज होता है। आपसे ये भी पूछा जाएगा स्किल टेस्ट में गाइस, ये भी काउंट होता है, तो ध्यान दीजिएगा आपका ये भी वहाँ पे पूछा जाएगा, आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। ओके तो गाइस ये ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं थी, आप पे कुछ ऐसी वीडियो बनती है यार क्या यूट्यूब पे, पता नहीं स्किल टेस्ट में क्या होगा यार, सब कुछ नॉर्मल होता है। आपको गाड़ी चलानी आती है ना, आपको बस चलानी आती है ना छोटी मोटी, मतलब कि जो आपने जब ट्रेनिंग की होगी तो वही है सब कुछ यार, सब कुछ वही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। आपको ज्यादा बैक करनी आनी चाहिए गाड़ी न्यूट्रल में है या नहीं है, कुछ तो डरा देते हैं यूट्यूब पे वीडियो बना के 50-50 नंबर, मतलब क्या पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है यार। मैं चाहता हूँ मेरे भाई सब इसमें पास हो गए हैं, सीधी सी बात है यार। तो गाइज आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही था। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे गाइज, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर आईटीबीपी की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को फिर आप सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाता रहता हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होती है। एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच गाइड। आप देखिए गाइज अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ डाउट लगता है या फिर कुछ भी आपको बात जाननी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आराम से।